कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के मुलाजिमों से पिछले साल दिए बोनस में से 42% वापस लिया जा रहा है। प्रबंधन ने रिकवरी के लिए कर्मचारियों को नोटिस भेजे हैं। अफसरों कर्मियों से रिकवरी उनकी तनख्वाह में से 5 किश्तों में होगी। बैंक प्रबंधन का कहना है कि कर्मचारियों को बोनस बैंक के नेट प्रॉफिट पर देना था, लेकिन पिछले वर्ष ग्रॉस प्रॉफिट पर यह बोनस दिया गया था। ऑडिट रिपोर्ट में इस गड़बड़ी का पता चला है और ज्यादा दिए गए एक्स ग्रेशिया की रिकवरी हो रही है। गलत लोन बांटने को लेकर अब केसीसी बैंक मुलाजिमों से पिछले साल दिए बोनस में से 42% वापस ले रहा है। 1200 क्लर्क से लेकर अफसरों तक को वर्ष 2017 में 4.5 करोड़ रुपए बोनस के तौर पर एक्स ग्रेशिया दिया गया था। इसमें से अब 1,92,00,000 रुपए की बोनस की बैंक प्रबंधन ने रिकवरी के लिए कर्मचारियों को नोटिस भेजे हैं। अफसरों कर्मियों से रिकवरी उनकी तनख्वाह में से 5 किश्तों में होगी। बैंक प्रबंधन ने अफसरों कर्मियों को भेजे नोटिस में लिखा है कि ऑडिट रिपोर्ट में पिछले वर्ष गणना की गलती से ज्यादा बोनस देने की बात सामने आई है। बोनस नेट प्रॉफिट के बजाय ग्रॉस प्रॉफिट पर 42% चला गया है। अब तनख्वाह से 5 किश्तों में प्रतिमाह रिकवरी होगी। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक के MD KK सरोच ने बताया कि कर्मचारियों को बोनस बैंक के नेट प्रॉफिट पर देना था, लेकिन पिछले वर्ष एक्स ग्रेशिया ग्रॉस प्रॉफिट पर दे दिया गया। उन्होंने कहा कि ऑडिट रिपोर्ट में इसकी गड़बड़ी का पता चला है। इसमें देखिए ऐसा है कि KCC बैंक में ऑडिट किया जाता है, जो कि रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी के आदेश से होता है। अब ऑडिट में चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा ये पाया गया कि जो ये दिया गया था एक्स ग्रेशिया बोनस, तो इसमें ग्रॉस जो प्रॉफिट था उसमें से दे दिया गया, जबकि ये नेट प्रॉफिट में से दिया जाना था। तो अब वो इनके द्वारा जब पॉइंट आउट किया गया तो उसकी फिर आगे रिपोर्टिंग रजिस्ट्रार साहब को होती है, और फिर उनके आदेश हैं कि फिर ये जो एक तरह से जो ओवर एंड अबव चला गया उसको फिर रिकवर किया जाना है। ये उसी तरह से है जैसे कि किसी भी कार्यालय में सामान्य ऑडिट होता है, और उसमें यदि कोई पाया जाता है कि कोई भुगतान अधिक हो गया है तो उसको वापस लिया जाता है और ऑडिट बैरे को सेटल किया जाता है। ये उसी तरह का एक मामला है। कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष शरद रलहान ने कहा कि बैंक प्रबंधन शुरू से ही ग्रॉस प्रॉफिट के तहत एक्स ग्रेशिया कर्मचारियों को देता आया है। उन्होंने कहा कि नेट प्रॉफिट पर बोनस देने से कर्मचारियों को डबल टैक्स देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बोनस हमेशा ग्रॉस प्रॉफिट पर दिया जाता है और कर्मचारियों से रिकवरी गलत है। सर, ऐसा था भी पिछले काफ़ी सालों से, जब से बैंक ऑपरेशन में आया, एम्प्लॉइज़ को प्रॉफिट के ऊपर हम लोग प्रॉफिट का 10% जो है वो बोनस और एक्स ग्रेशिया के तौर पे हर साल देते थे, और वो ग्रॉस प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता है, ताकि क्योंकि जो टैक्सेशन होती है इनकम टैक्स की, वो सिंगल हेड एक ही आदमी लेता है, या तो उसका बैंक दे दे या एम्प्लॉइज़ दे दे। तो बैंक क्या करता था, अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से वो पैसा निकाल के एम्प्लॉइज़ को देता था, और एम्प्लॉइज़ अपनी स्लैब के हिसाब से उसका टैक्स पे करते थे। इस बार पता नहीं कैसा इन्होंने अंकेक्षण किया, ऑडिट किया, और ये लगाया कि पहले बैंक उसके ऊपर टैक्स पे करे, उसमें से नेट प्रॉफिट निकाले, फिर एम्प्लॉइज को दे, और एम्प्लॉइज उसके ऊपर अलग से टैक्स पे करे। तो ये डबल टैक्सेशन का इश्यू बन रहा है। इन्होंने उस हिसाब से ये निकाला भी आप नेट प्रॉफिट पे दो, ना कि ग्रॉस प्रॉफिट पे। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इशू ये है, अभी डबल टैक्सेशन का इशू आ रहा है, और ये चीज़ हो नहीं सकती। हमेशा ये जो प्रोविजंस आप एम्प्लॉइज को देते हो ये ग्रॉस प्रॉफिट में से जाता है, और सिंस टाइम इमेमोरियल पीछे से ही ये ग्रॉस प्रॉफिट पे देते रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ, और फर्स्ट टाइम इन्होंने हम पे रिकवरी डाली है। और ये अगर नई सरकार में ये चीज़ हो रही है तो हमें एम्प्लॉइज इससे बिल्कुल खिन्न है। सरकार लोगों को एम्प्लॉइज को बेनिफिट्स देने की बात कर रही है, और हमारे आज बेनिफिट्स लिए जा रहे हैं जो पिछली सरकारों में हमें मिलते रहे, तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। हमारी बैंक प्रबंधन से ये रिक्वेस्ट है, भाई इस चीज़ को देखें और इस चीज़ का निष्पादन प्रॉपर तरीके से करें। सिटी चैनल के लिए धर्मशाला से नृपजीत निप्पी की रिपोर्ट।